बन्नी और युवा, क्या आप दोनों ने भी बना लिया है संडे का प्लान? क्यों ना आप दोनों निकल जाएं शॉपिंग। अब देखिए शॉपिंग किस लड़की को अच्छी नहीं लगती। बन्नी के चेहरे पर भी आ जाएगी एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट जो उन पर खूब जचती है। सही कहा ना मैंने युवा? तो चलिए लेकर चलते हैं आपको इन दोनों के पास और देखते हैं क्या है यहाँ पर कहानी का अपडेट। युवान का रौद्र रूप, बन्नी संग हुआ हादसा, फिर शुरू हुई युवान और कबीर की जंग, स्टार प्लस के सीरियल बन्नी चाह होम डिलीवरी में एक के बाद एक ट्विस्ट पर ट्विस्ट आते जा रहे हैं। भाई बन्नी को पता चल चुका है कि युवान की मम्मी की हत्या उसके पापा ने ही की थी और साथ ही साथ उसे पागल करने के पीछे भी युवान के पापा का ही हाथ है और ये सच वो युवान को बताती जरूर है लेकिन युवान यकीन नहीं करता। इसलिए बन्नी और तुलिका ने मिलकर प्लान बनाया कबीर को बाहर लाने का, क्योंकि कबीर ही है जो युवान के पापा को सबक सिखाएगा। और लगता है कि बन्नी का ये प्लान कामयाब भी हो गया है क्योंकि कबीर आ चुका है। देख लीजिए हाथ में त्रिशूल, मुंह पर रंग लगाकर, देखिए इसका रौद्र रूप। तुलिका को फंसा के कबीर बाहर आएगा और हम कह देंगे पापा से आने से कि, और जब कबीर आएगा तो कबीर इधर उधर नहीं देखेगा। कबीर को पता है कि मुजरिम कौन है, फाइट करेगा उससे क्योंकि अभी उसने तुलिका को किडनैप कर रखा है जबकि ऐसा है नहीं। ये मेरा और तुलिका का प्लान है ताकि कबीर बाहर आए, और ऐसा होता है। बहुत कोशिशों के बाद कबीर बाहर आता है अपने प्रचंड रूप में। मैं भी देख कर डर जाती हूँ और हाथ में त्रिशूल लेकर, मतलब आज तो वध करने ही वाला है वो, और मैंने चाहती यही थी बिकॉज अपराधी यही है तो न्याय भी हो जाएगा। भाई बन्नी अपने इस प्लान में तो कामयाब हो गई लेकिन है युवान का कॉन्सर्ट जिसमें चल रहा है रॉकस्टार का कंपटीशन, जिसके लिए युवान काफी एक्साइटेड है। इसी भागम भाग में बन्नी को कुछ पता चलता है जिस वजह से वो घर पहुंचती है और जैसे ही घर से बाहर निकलती है हो जाता है बन्नी संग हादसा। सामने से आती कार बन्नी को उड़ा देती है और बन्नी बुरी तरह हो जाती है घायल और पहुंच जाती है अस्पताल। तो बन्नी को के सामने खुलासा होने वाला था कि वो घर आके उसने एक सीसीटीवी कैमरा रखा था पुतले के पास और युवान का फिनाले का परफॉर्मेंस था। बन्नी को पता चला कि सीसीटीवी में जो है अब फुटेज ही नहीं आ रहा, बंद है। तो बन्नी को पता चल गया कि जो मुजरिम है, जो अपराधी है, वो इस वक्त उस पुतले के पास घर पे ही होगा। सब परिवार यहाँ पे, परिवार में से कोई एक है परिवार यहाँ पे और कोई जो मिसिंग है और जो इस वक्त घर पे, उसको मैं रंगे हाथ पकड़ पाऊंगी। बन्नी भागी वहाँ से, पहुँची घर पे, देखा कोई नहीं है, यहाँ वहाँ देख रही है, देखा तो यहाँ पे पुतला ही जल गया। पुतला जल गया तो उसे लगा आसपास ही होगा, आप ही उसे पकड़ूंगी। तो उस धड़पड़ में भागते 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 घर से भी बाहर निकल रही थी और आके गाड़ी ने उसे उड़ता ही फिरूं हवाओं में कहीं कर दिया। और फिर अगले जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि अरे मैं हॉस्पिटल में हूँ, और उस वक्त युवान फिनाले में था, उसे पता ही नहीं था। पर जस्ट परफॉर्मेंस के पहले उसे पता चलता है कि उसका बन्नी का एक्सीडेंट हो गया, पर क्योंकि बन्नी और युवान ने प्रॉमिस किया था कि युवान को पता है ये बन्नी का सपना है कि वो रॉक स्टार बने, कंपटीशन जीते, तो वहाँ उसकी जंग थी और यहाँ पे बन्नी जिंदगी से जंग लड़ रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि भाई आप लोग इसे टाटा बाय बाय खम्मा घड़ी बोल दो पर बच गई मैं। वैसे यहाँ हॉस्पिटल में बन्नी पर फिर एक बार हमला होता है जो करने आता है हेमंत, लेकिन बन्नी बाल बाल बच जाती है। यानी कि एक तरफ बन्नी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है तो वहीं युवान रॉकस्टार बनने की जंग। लेकिन जैसे ही युवान को बन्नी के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है वो काफी नर्वस हो जाता है और देखे तो कैसे इस दर्द में भी वो कंपटीशन में डट कर खड़ा है,
क्योंकि उसे बन्नी के लिए जीतना जो है। लेकिन इस कॉन्सर्ट में छुप छुप कर तुलिका भी पहुंच जाती है, लेकिन फाइनली युवान ये कॉम्पिटिशन जीत जाता है और बन जाता है रॉक स्टार। एक्चुअली मैं नहीं जाने वाली थी, लेकिन क्या करे, अब दिल ने माना ही नहीं और मैंने झूठ बोला बन्नी से और मैं चुप कर आई हूँ पल्लू ढककर, लाइक दुपट्टा ओढ़ के। और कुछ ऐसा हो जाता है मेरे साथ, मैं निकल जाती हूँ रो के कि मुझे युवान और बन्नी के बीच में नहीं आना है। बट देन यू नो, कोई एक मिस्टीरियस सा आदमी मेरे पीछे पड़ जाता है विद अ नाइफ, तो मैं डर के युवान मतलब कबीर के पास आ जाती हूँ बेसिकली। और जैसे ही मैं उसको हक करती हूँ तो उसका ट्रांजिशन हो जाता है कबीर पर। तो भाई अब देखना होगा बनी, युवान और कबीर मिलकर कैसे हेमंत को सबक सिखाते हैं। मुंबई से उमेश शुक्ला और यशस्वी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।